हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश में लागू किया जाए। देवल 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के 15वें दिन चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सफाई के अनुदान मांगों पर विचार रखते हुए रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल ने कहा कि सदन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और हम अपने परिवार, समाज, प्रदेश व देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। आपकी सरकार के पहले बजट 2019-20 में आपने प्रदेश में 2000 नए सब सेंटर खोलने को वादा किया था। 3 साल में केवल 45 ही खुले हैं। 155 कब तक खुलेंगे और इस बार भी 1000 नए खुलने की घोषणा कर दी, ये खुलेंगे भी या नहीं? मंत्री जब जवाब देंगे तो बताएं, अभी पिछले 2 साल से पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली, करोड़ों लोग की मौत हुई, देश में भी मौतें हुई, लेकिन इस महामारी का मुकाबला करने में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय प्रधानमंत्री ने दिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी तारीफ की, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश के वैज्ञानिकों का और डॉक्टर्स का, जिन्होंने 8 महीने की कम अवधि में न केवल इस महामारी की वैक्सीन बनाई बल्कि हमारे देशवासियों के साथ साथ हमारे देश के पड़ोसी देशों और दुनिया के गरीब देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराई। इस काम में भी पूरी दुनिया ने तारीफ करी। पहले टीका बनाने में 40 साल लग जाते थे। पोलियो वैक्सीन के लिए हम अमेरिका पर निर्भर थे, लेकिन कोरोना का टीका केवल 8 महीने में ही बना दिया गया और हमारे देश 100 करोड़ टीके लगाने के मामले में दुनिया का पहला देश भी बना। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को भी अच्छा और सस्ता या फ्री इलाज मिल सके इसके लिए 1 अप्रैल 2018 से पूरे देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की, परंतु राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसको प्रदेश में लागू नहीं किया, जबकि हमारे जिले जालौर सहित सिरोही, पाली, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जैसे सीमावर्ती जिलों के लोग इलाज के लिए जयपुर से ज्यादा गुजरात के अस्पतालों में जाते हैं, क्योंकि जयपुर की दूरी ज्यादा पड़ती है, उनको वहां पर राजस्थान सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मैं मंत्री से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रदेश में लागू किया जाए। एक समस्या यह भी है कि हमारे सीमावर्ती जिले के लोग जब गंभीर घायल को 108 एम्बुलेंस से गुजरात के नजदीकी अस्पतालों में लेकर जाते हैं तो उनका सीमा पर रोक दिया जाता है। मैं मंत्री से मांग करता हूं कि 1008 एम्बुलेंस को गुजरात में प्रवेश की अनुमति दिलाई जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्टेट हाईवे 31 पर स्थित है और भिनमाल से लेकर गुजरात तक इसके बीच में कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है। दुर्घटना होने की स्थिति में गंभीर मरीज के इलाज के लिए रानीवाड़ा में एक ट्रोमा सेंटर खोला जाए। सरकार ने 2021-22 के बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में एक CHC को मॉडल CHC बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए विधायक कोष से 2 करोड़ रुपए भी काट लिए गए। मैंने भी रानीवाड़ा CHC को मॉडल CHC बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आज तक एक भी उपकरण का या कोई सुविधा नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि विधायक कोष से और राशि दिए जाने की मांग की जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर सारा काम विधायक कोष से ही करना है तो फिर सरकार क्या करेगी? मेरी विधानसभा का कूड़ा, पांचला, सब सेंटर का भवन 2017 की अतिवृष्टि में बह गया था। पिछले 3 साल से लगातार उसका भवन बनाने की मांग कर रहा हूं, अभी तक नहीं बना है, उसका भवन बनाया जाए। सब सेंटर गोलाड़ा, दांतवाड़ा, डाडोकी, भाटी एवं कोड़ी के भवन पूरी तरह जर्जर हो गए हैं, कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है, उनके नए भवन बनाए जाए या मरम्मत कराई जाए। PHC करवाड़ा एवं राजिका वास की 4 दीवारी नहीं बनी है, उनके 4 दीवारी बनाने की मांग करता हूं। सब सेंटर वाड़ा भोजा, मैत्री वाड़ा, सेवाड़िया, वाड़ा पादर, मनोहरजिका वास, मंडारड़ी के भवन आज तक नहीं बने हैं, इनके भवन बनाए जाने की मांग करता हूं। नीलिया, जीतपुर, बीकनवास, वाड़ा भवजी, उच्चमत, धनपुरा, चेकला, पाड़ावी, डेरडी, चारा, भापड़ी एवं चांदपुरा में नए सब सेंटर खोले जाएं। राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी और मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में सालों से लगे हुए कंप्यूटर ऑपरेटर मैन विद मशीन को 8,500 रुपए ही मिल रहे हैं। वर्तमान समय में इतनी कम राशि में परिवार चलाना मुश्किल है, इनका मानदेय बढ़ाया जाए। नर्सिंग ट्यूटर पद को राजपत्रित किया जाए, इससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का कोई वित्तीय भारी नहीं पड़ेगा। कोरोना में कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती किए थे, उनको भर्ती होने के दिन से आज तक मानदेय नहीं दिया गया है। बिना पैसे के काम कर रहे उनका मानदेय का शीघ्र भुगतान किया जाए। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से विनय मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।